क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज बच्चों हम बात करेंगे पार्ट थ्री की। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। तो बच्चों, मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर क्या होता है? हमारे चारों ओर की वे वस्तुएं जिनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जगह घेरती है। विच मीन्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस, क्या करती है? स्थान घेरती है, मतलब उनके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और क्या होता है उनके पास, द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो मेनली बच्चों, यहाँ पर जो है अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंचतत्व। तो पंचतत्वों में जो है, जो हमारे दार्शनिक हुए हैं, फिलोसोफर हुए, उन्होंने क्या किया है, पाँच अवस्थाओं में जो है मैटर को क्लासीफाई किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी कि फिजिकल भौतिक अवस्था के आधार पर जो है मैटर कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। और रासायनिक संगठन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो है मैटर को जो है टू टाइप से क्लासिफाई किया गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में किया गया है, तत्व और यौगिक में। नेक्स्ट, मिक्सचर्स मे बी होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर को जो है टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर का फिजिकल नेचर होता है, यानी कि जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, वो क्या होता है। तो फर्स्ट वन बच्चों, यहाँ पर जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो कणों से मिल करके बना होता है। सेकंड बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पदार्थ के कण होते हैं, जिनसे मिलकर के हमारे मैटर का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जिन पार्टिकल से मिलकर के किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे मैटर का, तो वो क्या होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं। वो पदार्थ के जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। नेक्स्ट बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पदार्थ के कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर के उस मैटर का निर्माण हुआ है, वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, की द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं, टाइनी पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर हम एक एक करके इन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझने की कोशिश करेंगे और क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो था बच्चों, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स में जो है बच्चों, हम एक्टिविटी देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, एक्टिविटी क्या है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें क्या करना है, आधा जो है उसे वाटर से भर देना है। सेकेंड पॉइंट के इसमें डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की मदद से क्या करना है, उस पानी में जो है या तो नमक को घोलना है या फिर चीनी को घोलना है। द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर। जो तुम्हारा हमारा क्या होगा, जो नमक होगा वो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पर जो हमने लेवल चेक किया था, उस लेवल में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जो वाटर का लेवल होगा वो सेम रहेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है,
द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल के बीच का जो स्थान है वो किसने ले लिया है, वो ले लिया हमारे नमक के पार्टिकल ने या जो शुगर के पार्टिकल ने। दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जिससे हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से कि जो हमारे जो है पदार्थ से होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये एक्टिविटी है बच्चों, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक 100 ml का बीकर लिया, उसमें जो है आधा पानी भरा, आधा पानी भरने के बाद उसके लेवल को नोट किया कि कहाँ तक पानी का लेवल था। उसके बाद उसमें जो है 1 स्पून क्या मिलाया, शुगर या फिर क्या कर देंगे ऐड, सॉल्ट जो भी करना है। उसके बाद उसको ग्लास रॉड की मदद से जो है घुमाया, घोलने की कोशिश की। जब जो है हमारा वाटर में जो है शुगर या सॉल्ट घुल जाते हैं तो उसके बाद भी जो है उस वाटर के जो लेवल है वो कोई चेंज नहीं होता है, वो जो लेवल रहता है वो वही मेंटेन रहता है। तो जिसका मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। सेकंड है बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके लिए भी हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या करना है, डिजॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बच्चों, KMnO4। क्या होता है, KMnO4, ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ml के बीकर में जो है घोलने हैं। पहले क्या करना है, बीकर लेना है 100 ml का, उसमें पानी लेना है और उसमें क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के घोलने हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो हमने जो है 100 ml वाटर में जो है 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले, उससे क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन लेना है और उस 10 ml सॉल्यूशन को क्या करना है, 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देना है। मतलब दूसरा बीकर लेना है 100 ml का और उसमें क्या कर देना है, उसमें डिजॉल्व कर देना है 100। फिर से क्या करना है, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसको लेना है और उसमें से भी क्या करना है, 10 ml लेना है और उसको किस में डिजॉल्व करना है, फिर से 100 ml वाटर में। ये प्रोसेस जो है हम बार बार रिपीट करनी है, कम से कम 5 to 6 टाइम्स रिपीट करनी है। दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जिससे क्या होता है कि मतलब वाटर का वॉल्यूम, यानी कि जो वाटर का जगह है वो तो बढ़ ही रही है, मतलब वाटर क्या हो रहा है, अमाउंट में जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो उसका कलर है वो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण क्या हो रहा है, कुछ कलर है उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। जिससे क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पहले क्या किया, 100 ml में जो है 2 से 3 क्रिस्टल किसके लिए, यहाँ पे 2 से 3 क्रिस्टल डाले किसके, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। केमिकल फार्मूला किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4। तो 100 ml का हमने ये सॉल्यूशन तैयार किया, इस 100 ml में से क्या किया, 10 ml निकाला और उस 10 ml को किस में डाला, 100 ml में। तो यहाँ पे कलर क्या होगा, थोड़ा फेड होना शुरू हो जाएगा। वापस से इस 100 ml वाले में से क्या किया, 10 ml निकाला, वापस से 100 ml में डाला, इससे भी 10 ml निकाला और किस में डाला, 100 ml में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे जो हमें क्या पता चल रहा है इस एक्टिविटी से, कि जो हमारा पार्टिकल है वो क्या, बहुत छोटे छोटे, सॉरी जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने। थर्ड वन था बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड वन है बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। तो इसलिए हम एक्टिविटी देखते हैं बच्चों, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। हमने क्या करना है, बीकर में कुछ वाटर लेना है और उसका क्या करना है, लेवल नोट डाउन कर लेना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उस वाटर में क्या करना है, शुगर या फिर सॉल्ट को ऐड करना है। द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर, जो सॉल्ट को हम ऐड कर रहे हैं वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, उस वाटर में घुल जाएगा। बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। जो वाटर का लेवल हमने क्या है वहाँ पर नोट किया था, तो वो वाटर का लेवल उसमें कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ
वाटर, ये किस वजह से हुआ कि वहाँ पर जो है हमने उस पानी में जो है क्या मिलाया, सॉल्ट भी मिलाया लेकिन उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आया। ये इस वजह से हुआ कि जो हमारा पानी था उस पानी के बीच क्या था, पानी के जो पार्टिकल थे उनके बीच में खाली जगह थी, और उन खाली जगह को किसने भर लिया है, जो हमारा क्या है जो शुगर या जो सॉल्ट क्या हुई उसमें डिजॉल्व हुई है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये इस तरीके से हम एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो बच्चों जो पदार्थ जिन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है वो क्या होता है, निरंतर गति करते हैं। तो इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं इसको समझने के लिए, किस प्रकार से जो है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में क्या लेना है, थोड़ा पानी लेना है, और पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर। उस बीकर के किनारों से क्या करना है, वहाँ पर रेड इंक या फिर क्या ब्लू इंक की जो है ड्रॉप वहाँ पर डालनी है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए क्या करना है उसको बिना डिस्टर्ब किए मतलब स्थिर रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है कहीं पर। द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो इंक हो जाएगी वो उस पानी में पूरे पानी में फैल जाएगी। तो कारण क्या इसके पीछे, क्योंकि जो मूवमेंट है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल हैं किसके, इंक के पार्टिकल क्या कर रहे हैं उस वाटर में जो है मूवमेंट कर रहे हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जो ये प्रोसेस हुई है इसको क्या बोला जाता है, जो इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस हुई इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है बच्चा, जो पार्टिकल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू कहाँ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन। जैसे पहले वाटर में क्या था, इंक कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमने उसमें इंक स्प्रेड किया तो वो उस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की ओर गई होगी जहाँ पर वो कमरा होगा, तो ज़्यादा से कहाँ की ओर गया होगा, कम की ओर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, जो वाटर में जो है इंक इंटरमिक्स हुआ है, मतलब जब दो मैटर क्या करते हैं आपस में जो है खुद से ही मिलते हैं, हमने मिलाया नहीं उन्हें, वो क्या हुए खुद ही इंटरमिक्स हुए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। द इंटरमिक्स इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, खुद से ही क्या होते हैं वो मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिलते किस तरीके से हैं, जो चीज़ जिस साइड में कम है वो वहाँ से वो उसकी ओर जाएगी जहाँ वो क्या है ज़्यादा है, मतलब कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर। जहाँ वो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, जहाँ पर वो कम मौजूद है। इसका एग्जांपल हम धूपबत्ती या अगरबत्ती का जो धुआं होता है उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कहने का मतलब दो विभिन्न पदार्थ के कण क्या होते हैं, जब स्वतः मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विसरण की प्रोसेस बोलते हैं। विसरण में क्या होता है, जो पदार्थ के पार्टिकल या मैटर के पार्टिकल होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता की ओर खुद से गति करते हैं। तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, जैसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो है डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं, ये जो इंक के पार्टिकल हैं, ये पानी के पार्टिकल और इंक के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो जहाँ से जो है ये ज़्यादा था वहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, इंक कम की ओर। तो इस तरीके से इस इंटरमिक्सिंग को क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न बोला जाता है। और ये जो गैस के पार्टिकल हैं यहाँ पर, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से रैंडम मोशन कर रहे हैं। लास्ट है बच्चों, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो एक्टिविटी है बच्चों, टेक एन आयरन नेल अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। यहाँ पर क्या करना है, हमने एक लोहे की कील लेनी है, एक चॉक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग। हमने क्या करना है बच्चों, इन पर हथौड़ा मार करके या काट करके या खींच करके इनको क्या करना है, तोड़ने का ट्राई करना है, तोड़ने का प्रयास करना है इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक दी चॉक, चॉक को तोड़ना क्या है, आसान है। लेस ईजियर टू ब्रेक दी रबर एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दी आयरन नेल। कहने का मतलब क्या है कि लोहे में जो है क्या होंगे, लोहे को तोड़ना क्या है, कठिन होता है। लोहे के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक क्लोज होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, और जो हमारा चौक है उसमें क्या हो रहा है, वो आसानी से टूट जा रहा है। लेकिन जो रबर भी हो रहा है वो भी आसानी से टूट रहा है, लेकिन
थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी है उसमें, किसके कंपैरिजन में, चौक के कंपैरिजन में। बट जो सबसे डिफिकल्ट है वो क्या है, आयरन नेल को तोड़ना। तो ये किसके वजह से हो रहा है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चौक। तो ये किसकी वजह से हो रहा है कि लोहे में क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिन कणों से मिलकर के वो लोहे की कील बनी है, वो लोहे के कण क्या हैं, एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रखे हैं, जिसकी वजह से जो है उस फोर्स को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें हमने एग्जाम्पल ले भी रखा, जैसे ये लोहे की कील में क्या है, जो पार्टिकल होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, जो रबर बैंड होगा उसमें थोड़ा क्या होगा, उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, लेकिन जो चौक होगा उसमें क्या होगा, जो फोर्स होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।